हेलो फ्रेंड्स, खबर 100 में आपका स्वागत है और मैं हूँ साक्षी जैन और आपके सामने फिर हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरें लेकर। एक्टर रजनीकांत की फिल्म दरबार का मोशन पोस्टर रिलीज। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म दरबार का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। गुरुवार को सलमान खान, सुनील शेट्टी, मोहनलाल, महेश बाबू और कमल हसन ने रजनीकांत की फिल्म का पोस्टर रिलीज किया। सलमान ने ट्विटर पर हिंदी पोस्टर शेयर की जबकि तमिल पोस्टर महेश बाबू और कमल हसन ने शेयर किया। पानीपत फिल्म को लेकर अफगानिस्तान में छिड़ी बहस। भारत में अगले महीने रिलीज होने जा रही एक फिल्म को लेकर अफगानिस्तान में बहस खड़ी हुई है। 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में अभिनेता संजय दत्त, दुरानी साम्राज्य के संस्थापक अहमद शाह अब्दाली की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें 1761 में अब्दाली की वफादार सेनाओं और भारत की मराठा सेनाओं के बीच हुई पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई के दौरान का घटनाक्रम दिखाया जाएगा। सत्ते पे सत्ता के रीमेक में ग्लैमरस टीचर के रोल में नजर आएंगी अनुष्का शर्मा। काफी दिनों से ऐसी चर्चा चल रही है कि फिल्म मेकर फराह खान सत्ते में सत्ता का रीमेक बनाने जा रही हैं। फैंस भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओरिजिनल फिल्म में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी लीड रोल में थे। कहा जा रहा है कि रीमेक में उनकी जगह ऋतिक रोशन और अनुष्का शर्मा लेंगे। दबंग 3 का नैना लड़े गाना हुआ रिलीज। दबंग 3 इस साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है और सलमान खान अपनी फिल्म के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तभी तो फिल्म के गानों के ऑडियो भी वह काफ़ी प्लानिंग के साथ रिलीज कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले फिल्म का टाइटल ट्रैक हुड़ हुड़ दबंग रिलीज किया गया था और अब एक रोमांटिक गाना नैना लड़े का ऑडियो ट्रैक रिलीज किया गया है। आपको बता दें इस गाने को जावेद अली ने गाया है। अक्षय कुमार की फिल्म ने 14वें दिन भी मचाया तहलका, कमा डाले इतने करोड़। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 ने 14वें दिन भी अपना कमाल जारी रखा। हाउसफुल 4 द्वारा सिनेमा घरों में दमदार प्रदर्शन और बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई ने इसे साल की बड़ी फिल्मों में शामिल कर दिया है। आपको बता दें कि फिल्म 14 दिनों में कुल 185 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर सकती है। फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ।